हालेलुया, शालोम एवरीवन। मेरी तरफ से तमाम मसीह टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, हम आपको वेलकम करते हैं मसीह टीवी कैलिफोर्निया की जानिब से प्रोग्राम आपकी जिंदगी में। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जैसा कि देखते हैं कि आपकी जिंदगी हमें उस जगह तक ले जाती है जिसका वादा हमसे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने किया कि मैं खुद तो जाता हूँ और तुम दूसरा मददगार पाखरू दिए जाता हूँ और मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे आसमान पर जाकर तुम्हारे लिए उन घरों को बनाना है ताकि जब तुम आसमान पर आओ तो उन घरों में बसेरा कर सको। हालेलुया। मेरे और आपके लिए एक हेवन में घर तैयार है और खूबसूरत घर तैयार है मेरे और आपके लिए क्योंकि मेरे बाप ने वादा किया है मुझसे भी और आपसे भी कि वो मुझे और आपको घर बना कर देगा। उसने घर बना लिया है। अगर आप खुदा के कलाम पर चलते हैं, उसे कबूल कर चुके हैं, अपनी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, उसने मेरे और आपके लिए घर बना लिया। हालेलुया। कि आप चाहते हैं कि आपके घर में जाकर कोई रहे? हरगिज नहीं आप चाहते। इसी तरह अगर आप आसमान के हेवनली घर में आप चाहते हैं कि जो आपका हिस्सा है, जो आपका घर है, जो आपसे खुदावंद वादा करके आसमान पर गया है कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे रहने की जगह तैयार करता हूँ, तुम्हारे रहने के लिए घर बनाता हूँ, अगर आप भी उस घर में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका घर आपसे कोई खींच ना ले, तो इसके लिए आपको खुदा के कलाम पर चलना है। हालेलुया। आपको खुदा के कलाम के साथ वफादार रहना है, आपको खुदा को जानना है, पहचानना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। अपनी जिंदगी में दाखिल होने के लिए आपको अपने आप को मारना है, जिसम में अपने आप को, जिस्मानी ख्वाहिशों में अपने आप को मार कर आपको रूह में जिंदा होना है। हालेलुया। ताकि आप भी उस घर में दाखिल हो सके जिसका वादा खुदा ने मुझसे और आपसे किया है। आपकी ब्लेसिंग को कभी भी कोई मेरे अजीजों छीन ले ना पाए। आप इस बात को अपनी लाइफ का असूल बना लें कि इस दुनिया में आपकी ब्लेसिंग को कभी भी कोई छीन ले ना पाए। शैतान हमेशा इस बात में लगा रहता है कि वो ईमानदार को फाड़ खाए। खाने का मतलब क्या है? कि वो उस ईमानदार के हिस्से को, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी तरक्की को, उसकी सरफराजी को, कामयाबी को, उसकी ग्लोरी को, उसकी नाइटिंग को, उसकी फायर को जो खुदावंद ने उसे दिया, उसकी ब्लेसिंग, उसके डैम गेट्स को वो बंद करे, खा जाए और उससे खींच ले। वो हमेशा इस सब कोशिश में लगा रहता है। लेकिन हमें खुदावंद ने अनजान नहीं रखा। अगर उसने हमें अपनी ज़िंदगी दी है तो उस अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने का उसने हमें अपने कलाम में बताया भी है कि तुम्हें किन बातों पर अमल करना है और तुम्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में दाखिल होना है और तुम्हें किस तरह से अपनी लाइफ में अपने हिस्से को लेना है। और खुदावंद ने ये भी हमें बताया है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स रखी है, अपनी ज़िंदगी रखी है, तो उसको खींचने के लिए एक शैतान, एक दुश्मन है तुम्हारा जिसका नाम शैतान है। वो तुम्हारा पीछा करेगा दिनों रात। और उसके उससे बचने के लिए भी खुदा ने कहा है कि तुम्हें कलाम मुकद्दस के साथ जुड़े रहना, दिनों रात तुम्हें मेडिटेट करते रहना खुदा के कलाम, दिनों रात खुदा का कलाम के तहत बिना नहा दुआ करो। खुदा यीशु मसीह ने भी पतरस को कहा, उठ जाग और दुआ कर, प्रे कर ताकि तू आजमाइश में ना पड़े। खुदावंद भी कहता है मुझसे और आपसे कि उठ जाग बिला नागा दुआ कर। आप जानते हैं बिला नागा का मतलब क्या है? बिला नागा का मतलब यह मुसलसल दुआ करते रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते अपने जॉब में भी मेडिटेट करते रहना। हालेलुया। थॉट्स भी तो आपके माइंड में घूमती है ना, जो मूवी इंसान देख लेता वो उसके दिन में पूरा दिन घूमती रहती है कि अच्छा तब ये हुआ था, तब ये हुआ था। आपको किसी भी किस्म की दुनिया में चीज़ को अपने अपने जहन में मेडिटेट नहीं करना, अपनी सोचों में मेडिटेट नहीं करना। हालेलुया। आपको अपनी थॉट्स में, अपनी मेडिटेशन में हमेशा खुदावंद के कलाम को रखना है। हालेलुया। ताकि खुदावंद का कलाम पूरा हो, दिन और रात बिला ना आप दुआ करें, पर्सनल प्रेयर के लिए आपको टाइम निकालना है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा है कि पाक महफिल बनाओ। पाक महफिल में आपको जाना है, चर्च में आपको जाना है, घर में आपको एक पाक महफिल बनानी है, सब हाउस प्रेयर का आप घर में मीटिंग किया करें। हालेलुया। खुदावंद के साथ जुड़े रहे। अगर अपनी जिंदगी में दाखिल होना है तो उसने जो बातें की, उसने जो हुक्म दिया, आपको उनके ऊपर चलना है। अब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे जबूर, उसका नाइन्थ जबूर, और उसकी हम देखेंगे 10th वर्स। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, जो तेरा नाम जानते हैं, अब जो गौर से सुने, जो तेरा नाम जानते हैं वो तुझ पर तवक्कल करेंगे।
अब खुदावंद पर आप ये नहीं कह सकते क्या पहले दिन आए मसीहत में, आप पहले दिन बोर्न क्रिश्चियन होने के बाद भी आपने खुदा के कलाम को उठाया है और खुदा के कलाम को बिना जाने बिना समझे आप कहे कि मेरे अंदर फेथ आ जाए, इम्पॉसिबल। क्यों? खुदा के कलाम को आप देखें और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, जो तेरा नाम जानते हैं वो तुझ पर तवक्कल करेंगे। अगर एक आज कोई बिल्कुल अनजान शख्स जिसने कभी मसीहत के बारे में जाना नहीं, जो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता, लेकिन आज भी जब आप उसको जाकर कहेंगे कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो बीमारों को शिफा देता है, अगर तुझे किसी भी किस्म का हड्डियों का रोग है, किसी भी किस्म की अगर तुझे बीमारी है, तो तू मेरे पास आ, मैं तुझे 19 ऑयल के साथ प्रे करूंगा जैसे खुदा के नबी कलाम मुकद्दस में किया करते थे, और मैं खुदा का नाम लेकर खुदा से दरख्वास्त करूंगा और वो तुझे हील करेगा। और ऐसा मैंने एक शख्स को हील होता देखा है, मैंने उसके लिए प्रे की और वो चंगा हो गया, वो शिफा को पा गया। और जब आप उसको टेस्टमनी दिखाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग आप उसकी करेंगे और आप उसको टेस्टमनी दिखाएंगे, या उस शख्स से आप फिजिकली उसे मिलवाएंगे, आप फेस टू फेस उसको मिलवाएंगे, उसके सामने आप उसको बिठाएंगे, उसे उससे मिलवाएंगे, तो वो गवाही देगा कि हाँ मैंने खुदा के कलाम के बारे में सुना कि वो जिंदा खुदा है और वो शिफा देता है, मैंने ये बात सुनकर उस पर भरोसा किया और मैंने कहा चलो मेरे लिए भी प्रे करो। और जब मुझ पर प्रे की गई तो मैंने खुदा को जब जाना और उस पर ईमान। इसी तरह अगर आप बिना खुदा के कलाम को जाने, बिना खुदा के काम को जाने, जब आप कहेंगे कि मेरे अंदर फेथ आ जाए, फेथ आ जाए, जबकि आप जानते ही नहीं कि मसीह है कौन, फेथ आपके अंदर काम नहीं करने पाएगा। फेथ आपके अंदर तब आ सकता है जब आप खुदा को जाने, और जब आप खुदा को जान जाएंगे आप उस पर तवक्कल करेंगे, आप उस पर भरोसा करेंगे। और फिर क्या होगा, जब आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे आप खुदा के कलाम में चलने लगेंगे, और खुदा एक राई के दाने के बराबर भी आपके अंदर फेथ आ गया और खुदा को अगर आपने जान लिया, आगे खुदा आपका हाथ पकड़ेगा और आपको लेकर जाएगा और आपके रास्तों को खोलता जाएगा, आपके फेथ को इंक्रीज करता जाएगा, आपके खुदा पर ईमान को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, अपने फजल को, अपने फायर को, अपने मसा को आपके ऊपर बढ़ाता जाएगा। और जब खुदा का रूह आपके अंदर बढ़ता ही चला जाएगा, आपके अंदर आता जाएगा, आपके अंदर बसेरा कर लेगा, तो आपकी लाइफ से हर एक रुकावट दूर होती जाएगी, हर एक गुनाह दूर होता जाएगा और आप अपनी जिंदगी में दाखिल होते जाएंगे। मतलब आज हम खुदा के कलाम में से क्या सीख रहे हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपको खुदा को सबसे पहले जानना है, पहचानना है, उसके बाद आपको खुदा पर तवक्कल करना है, फिर आप अपनी जिंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसी तरह से देखेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। जब आप खुदा को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उस पर तवक्कल कर लेते हैं, तो उसके बाद खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मैंने अपने तालिबों को, मतलब कि जिसने मुझे जाना पहचाना, मुझ पर भरोसा किया, तवक्कल किया, ईमान लाया, फेथ लाया, मैं अब उसे कभी भी तर्क नहीं करूंगा। हालेलुया, खुदावंद कभी भी उस इंसान को फिर तर्क नहीं करेगा, खुदावंद उसे अपने साथ हमेशा रखेगा। खुदा का कलाम कहता है कि मैं, मेरा रूह तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे साथ है। हालेलुया, खुदावंद हमेशा आपके अंदर रहेगा, आपके साथ रहेगा, कभी भी वो आपको त्यागेगा नहीं, कभी भी वो आपको तर्क नहीं करेगा, आपकी आवाज़ को सुनेगा, आपकी प्रेयर्स का आपको जवाब देगा। हालेलुया, वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। हालेलुया, वो हमेशा आपके फरियाद को सुनेगा, आपकी आवाज़ पर कान लगाएगा। हालेलुया, खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया, खुदावंद इंसाफ करने वाला खुदा है, वो कभी भी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, वो खुदा है, वो कोई इंसान नहीं है, खुदा के घर में किसी भी किस्म की नाइंसाफी नहीं है और किसी भी किस्म की तरफदारी नहीं है। हालेलुया, लेकिन हाँ उसके अपने बेटे और बेटियों के लिए एक बड़ा फेवर है, उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम करने की चाह रखते हैं और खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में खुदावंद उन पे फेवर उन देता है कि ये और ज़्यादा मेरे कलाम पर चले,
लेकिन वो गुनाह में कभी भी किसी का फेवर नहीं करेगा कि ये गुनाहगार है इसका मैं फेवर करूँ। वो कभी भी गुनाह में फेवर नहीं करेगा, लेकिन हाँ गुनाह में अपने लहू से उस इंसान के गुनाहों को धोकर, अपने लहू से उस इंसान के गुनाहों को धोकर उसे छुटकारा जरूर दे सकता है, लेकिन गुनाह करने में फेवर नहीं करेगा। गुनाह को धोने में फेवर करेगा, कलाम में चलने में फेवर करेगा, खुदा के कामों को, खुदा के किंगडम को बढ़ाने में वो आपकी फेवर करेगा। हालेलुया, आपकी जिंदगी में दाखिल होने के लिए वो आपकी फेवर करेगा, लेकिन गुनाह करने में फेवर नहीं करेगा, लेकिन गुनाह को धोने में फेवर करेगा, गुनाह से निकलने में वो आपकी फेवर करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग सीटीवी कैलिफोर्निया।